गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, कल हम लोग लास्ट में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। हाँ, तो आपको पता चल ही गया होगा, आप स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि भाई आप लोग पार्टिकल्स की संख्या काउंट कर लो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो आपको पता चल जाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है संपर्क विभव, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ठीक है, चलो। देखो मतलब क्या है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का, वो कहता है जब अगर ऐसा हो, जब भिन्न भिन्न कार्यफलन, जब भिन्न भिन्न कार्यफलन वाली भिन्न भिन्न धातुओं को उसमें साम्यावस्था में क्या किया जाता है। देखो संपर्क विभव का मतलब है जब भिन्न भिन्न कार्यफलन वाली, कार्यफलन का मीनिंग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा। अगर मान लो हमारे पास दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए क्या है, दो अलग अलग धातु हैं, विद्युत संपर्क में रखा जाए, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाए, रखा जाए तो ऊष्मीय साम्यावस्था में, पहले जरा परिभाषा समझेंगे उसकी मीनिंग क्या है। साम्यावस्था में उन दोनों के मध्य विभव का जो अंतर है, वो विभव का अंतर क्या कहलाता है, संपर्क विभव कहलाता है। मतलब समझो जरा संपर्क विभव का मीनिंग क्या है, दोबारा समझाते हैं, सुनो जरा काम की बात। जैसे मान लो आपके पास एक धातु है ए, आपके पास एक धातु कौन सी है, ए है, ठीक है। एक दूसरी धातु है आपके पास बी, प्रारंभिक स्थिति में इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है, मतलब जो वोल्टेज आप लोग लगा रहे हो विभव वो कैसा है, जीरो है, कोई वैद्युत संपर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। उस कंडीशन में इसकी जो कार्यफलन के लिए जो ऊर्जा का मान है, इसको कहते हैं फाई ए, और इसके लिए कार्यफलन की जो ऊर्जा है वो कितनी है, कार्यफलन मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की ऊर्जा, ठीक है। इसका फर्मी एनर्जी लेवल ई एफ ए है, ई एफ मतलब फर्मी एनर्जी, कल बात कर रहे थे फर्मी ऊर्जा स्तर के बारे में, और इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो क्या है, EF, B, ठीक है। चलो एक बात तो ये हो गई सर जी, अब सुनो, अब ये प्रारंभिक स्थिति है, ये कार्यफलन इसका, ये मींस इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की कार्यफलन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की ऊर्जा है, इसका मतलब ये है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है इसकी तुलना में, इसका कार्यफलन कम है, इसका कार्यफलन नहीं समझे बात को, ठीक है। इसका फर्मी एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसका फर्मी एनर्जी लेवल कम है, मतलब जो फर्मी ऊर्जा स्तर है जिससे ऊपर के ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, वो ऊर्जा स्तर इसका ज्यादा है, इसका ऊर्जा स्तर कम है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं, अपन इसको किसी वैद्युत संयोजन के संपर्क में लाते हैं, तो क्या करते हैं वैद्युत संयोजन के संपर्क में लाते हैं, ठीक है। अच्छा फर्मी ऊर्जा स्तर ज्यादा होने का मतलब क्या है,
फर्मी ऊर्जा स्तर ज्यादा होने का मतलब है, अपन इस बात को भी कह रहे हैं, ये ई एफ ए ये ज्यादा है किससे, फर्मी ऊर्जा स्तर ज्यादा होने का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा ज्यादा है इस वाली धातु के इलेक्ट्रॉनों से। जिसका फर्मी ऊर्जा स्तर ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो कल ही डिस्कस किया। मींस इसके जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं हैं उससे इनकी ऊर्जाएं ज्यादा है। अब सर जी अगर एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब स्टेबिलिटी तो कम है, ऊर्जा अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी, थोड़ी सी ऊर्जा तो जल्दी से बाहर निकल जाएगा, और यही बात ये कह रहा है कार्यफलन कम है, थोड़ी सी एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। कार्यफलन कम होने का मतलब क्या है, कार्यफलन कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की ऊर्जा कम है, थोड़ी सी ऊर्जा दो बाहर आ जाएगा, इसको ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका फर्मी ऊर्जा स्तर कम है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा, समझे बात को। अब जैसे ही वैद्युत संयोजन के संपर्क में लाओगे तो क्या होगा, इससे जो अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है वो निकलना स्टार्ट कर देंगे। दोबारा सुनो, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे, किसी वैद्युत संयोजन के थ्रू इनको संपर्क में लाया जाएगा, ये दोनों धातुएं अभी दोनों अलग अलग रखी है, अभी दोनों धातुएं क्या है अलग अलग रखी है, लिख देते हैं भले ही, दोनों धातुएं कैसी हैं अलग अलग है। बहुत काम की और थोड़ी सी मतलब हल्की सी समझने की ट्रिक की चीज है, अलग अलग रखी है कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसको कनेक्शन में लाए, कॉन्टेक्ट में आई तो क्या होगा भाई, वैद्युत संयोजन के संपर्क में लाते हैं तो ऊर्जा तो मिलती है, सिंपल सी बात है। इसको कम ऊर्जा देंगे, कम ऊर्जा देंगे तो ये क्या करेगा, इससे जो अधिक ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो जल्दी से निकलना चाह रहे हैं उस पार्ट से, वो क्या होंगे, इधर से निकलते निकलते किधर आने लग जाएंगे, इधर आने लग जाएंगे, ऐसा ही तो होगा। इसका मतलब ज्यादा ऊर्जा वाले चलने लग जाएंगे तो फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, भाई ज्यादा वाले तो गए बाहर। इसमें क्या है, इधर जब ज्यादा ऊर्जा वाले आएंगे तो इसका फर्मी ऊर्जा स्तर उठने लग जाएगा ऊपर, और ये तब तक रहेगा जब तक दोनों आपस में क्या नहीं हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे। दोबारा बोलूं, दोबारा आगे बात समझ, एक बार और समझो, सब लोग समझो, देखो जरा सिंपल सा शुरू से समझो। हमने ये कहा है जब भिन्न भिन्न कार्य फलन वाली भिन्न भिन्न धातुओं को वैद्युत संपर्क में रखा जाए, उसको क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट किया जाए उसका, तो उसमें साम्यावस्था में इनके विभव का जो अंतर है, वोल्टेज देखो मतलब आएगा, वोल्टेज क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि चार्ज इधर से उधर हो रहा है इसलिए वोल्टेज तो क्रिएट होगा ही होगा, ये तो 100% बात है। उस स्थिति में उनके जो विभव का अंतर है वो क्या कहलाता है, संपर्क विभव कहलाता है, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल कहलाता है। आई बात समझ, ये तो संपर्क विभव की परिभाषा है। अपन ने क्या किया है, अपन ने एक धातु ली ए, उसका कार्यफलन कम है, कार्यफलन कम होने का मतलब उससे जल्दी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो ज्यादा है। भाई जल्दी से उत्सर्जित होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, स्थायित्व कम है, तभी तो जल्दी से आ रहा है। इसका मतलब उसका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है, एक बात, फर्मी ऊर्जा स्तर क्या है ज्यादा है। इस वाले पार्ट का जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो क्या है, कम है, ठीक है। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है, और फर्मी ऊर्जा स्तर से ऊपर तो ऊर्जा मिलती नहीं उसकी। अब क्या कर रहे हैं, अपन दोनों को संपर्क में लेके आए, संपर्क में लेके आएंगे तो जो इधर से जो ऊर्जा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी कम है, वो निकलना स्टार्ट कर देगा, और जब ज्यादा ऊर्जा वाले चले जाएंगे उधर तो इसका तो फर्मी एनर्जी लेवल कम होता चला जाएगा। भाई ज्यादा ज्यादा ऊर्जा वाले, भाई जैसे कई बार ऐसा हो जैसे दो पक्षों में लड़ाई हो रही हो, एक पक्ष में ज्यादा तेज आदमी है, एक पक्ष में कम तेज आदमी है, कम तेज वाले बेचारे चुप बैठे रहते हैं, ठीक है भाई ये गाली दे रहा दे। अब मान लो वो गाली देने वाले दो चार उसकी तरफ आ जाए तो इस वाले का दबदबा कम हो जाता है, फिर उस वाले का बढ़ जाता है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब जब यहां से इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे तो यहां क्या बढ़ता जाएगा, प्लस चार्ज, बोलो, और यहां क्या होता जाएगा। लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा दूसरा है मेरा, वो मैं उधर बनाऊंगा। मतलब ये हो रहा है
कि ये तो ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा सा नीचे आता चल रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर आता चल रहा है। अब जो स्थिति है, और ये तब तक चलेगी स्थिति जब तक ये दोनों क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, पहले क्या था देखो, पहले EFA यहां था, इतना कम हो जाएगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलो यही तो कह रहे हैं, इसका फर्मी ऊर्जा स्तर कम हो जाएगा और उसका फर्मी ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले मान लो उसका फर्मी ऊर्जा स्तर कहीं यहां था, वो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पहले यहां था, अब यहां पहुंच जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, इस पर क्या क्रिएट हो जाएगा। ठीक है सर जी, आया नहीं आई बस समझ। अब इस पर धनावेश उत्पन्न हो गया, इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इन पर कहीं ना कहीं वोल्टेज क्रिएट हो गया, विभवांतर क्रिएट हो गया, और इनके बीच का जो विभवांतर का जो वैल्यू है वही क्या है, उसका संपर्क विभव का मान है। ठीक, अरे संयोजन का मतलब किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक धातु यहां रखिए, एक धातु यहां रखिए, वायर से जोड़ देंगे। संपर्क का मतलब दोनों को मिलाना थोड़ी है, मतलब अरे मैं यही तो कह रहा हूं, एक धातु, ए को तो यहां रख दो, बी को यहां रख दो, ऐसे अट्रैक्शन थोड़ी होता है इतनी दूर से, इतनी दूर रखी, इसका मतलब ये नहीं है दोनों धातु, धातुओं के संपर्क का मतलब किसी वायर से कनेक्ट कर दो दोनों को, नहीं उसका मतलब ये नहीं कि दोनों धातुओं को मिला के रख दो, उसका ये संपर्क का मतलब नहीं है, संपर्क का मतलब किसी वायर के थ्रू किसी वैद्युत संयोजन से उसको संपर्कित कर दो, किसी कनेक्शन लगा दो उसके बीच में, कोई वायर लगा दो। ठीक है सर जी, ये वैल्यू किसकी होती है, संपर्क विभव, और संपर्क विभव का जो मान निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आती है, V, वो आता है 5V माइनस, ये संपर्क विभव का क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, अब जरा एक और बात सुनो, ये तो सिंपल सी बात है उसके बारे में, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस और है, इसका क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, उसको आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, ये इसमें नहीं है, नोट्स में नहीं है वो, इसको नोट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी आप लोग मैथमेटिकल एनालिसिस लिखें कहीं उसमें, तब बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात, हमने नोट्स में मेंशन भी किया, इसमें हो क्या रहा है, कम कार्य फलन वाली जो धातु है वो तो धनावेशित हो जाती है, कम कार्य फलन वाली धातु कैसी हो रही है, धनावेशित, और अधिक कार्य फलन वाली धातु ऋणावेशित हो जाती है। कम कार्य फलन वाली धातु धनावेशित, अधिक कार्य फलन वाली धातु ऋणावेशित, तो चार्ज का अंतर आया ना, एक धनावेशित हो गई एक ऋणावेशित, और विभव कैसे उत्पन्न होता है, ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है विभव उत्पन्न। ठीक है, भी होता है, चलो अब जरा मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो जरा एक बार की, ये अजय, अजय पाल, अमित, उमेश और कौन कौन है, आगे वालों का मेरे को पता नहीं रहता, जगपाल है, हाँ दिलवाग, बताया करो, बात समझ आई या नहीं आई, ये अंतेश, अन्नू, दीपक, धर्मेश, दिलवाग, कुणाल,
हाँ कम से कम ये बताते रहा करो। चलो अब जरा मैथमेटिकल एनालिसिस। वोल्टेज ऊर्जा नहीं होती, वोल्ट तो ऊर्जा नहीं होती, तो फिर ये इतना ही अंतर आता है। आप लोग पॉजिटिव भाई, इस पर पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज, इस पर नेगेटिव, उसका जो वैल्यू आएगा वो इनके अंतर के बराबर ही आता है। होता तो नॉर्मली ये है, इस पर VA वैल्यू निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज पर विभव ज्यादा होता है नेगेटिव चार्ज की वजह, तो होता तो वही है V इक्वल टू VA माइनस VB। लेकिन अपन उससे वोल्टेज को तो मेजर नहीं कर सकते ना भाई, हमको वोल्टमीटर थोड़े लगा रखे हैं हम, तो उसका जो वैल्यू होता है वो कार्यफलन के बराबर ही आता है, ये है उसका मतलब। चलो आगे बात करो, मैथमेटिकल एनालिसिस देखो। देखो हमने तुम्हें पहले एक बात बताई थी, कोई जैसे दो ऊष्मागतिक निकाय हैं, अगर दोनों संपर्क में आते हैं तो उनसे जो संयुक्त निकाय बनता है, उस संयुक्त निकाय की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा कम से कम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। किसी भी निकाय की स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलो अपन मान लेते हैं, माना नियत ताप व दाब पर दो निकायों की ऊर्जा E1 तथा E2 है। हमारे पास कोई दो निकाय हैं और उनकी एनर्जी क्या मान ली हमने, E1 और E2। ठीक है, एवं इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या N1 तथा N2 है। अच्छा वो क्या कह रहा है सुनो, जब ये दोनों निकाय संपर्क में आते हैं, भाई अपन संपर्क, संपर्क में आने का मतलब उनसे जो संयुक्त निकाय बनता है, दोनों निकायों के संपर्क में आने से निर्मित संयुक्त निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर जी न्यूनतम है तो उसका प्रथम अवकलज 0 के बराबर होगा, या अपन कह रहे हैं जी न्यूनतम है, और जी न्यूनतम होने का मतलब है सर जी कि डी जी क्या रहा होगा, 0। ठीक है, एक तो ये टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं अपन काम में लेंगे। हमारे पास उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, प्रथम नियम, और इस नियम को थोड़ा सा देखो, एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है, जब धातुएं संपर्क में आती हैं तो विभव में परिवर्तन हो रहा है। पहले विभव 0 थे, अब एक का पॉजिटिव हो रहा है, एक का नेगेटिव हो रहा है, एक धनात्मक विभव पर, एक ऋणात्मक। उससे पहले दोनों उदासीन थी, कोई मतलब नहीं था दोनों धातुओं को, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आई तो दोनों में क्या हो गया, अंतर आ गया, विभव परिवर्तन हुआ। तो अपन उस विभव परिवर्तन का जो कारण होता है पदार्थ है, वो उसको अपन एक समय, एक उसका सिंबल लेते हैं अपन म्यू, और उसको अपन कहेंगे रासायनिक विभव। उसको क्या कहेंगे, उसका नाम है रासायनिक विभव। ठीक है, मतलब जिस समीकरण को अपन लिखेंगे ऊर्जा, भाई पैसे तो नॉर्मली जो समीकरण होता है वो ये होता है, dQ इक्वल टू dE प्लस dW, E मान ली है ना एनर्जी हमने, dE प्लस dW, ये होता है सामान्य समीकरण। लेकिन ऐसा नहीं होता, माइनस के म्यू डी इस तरीके से लिखा जाता है। सुनो ये थोड़ा सा अंतर है इसमें लिखने का तरीका, ये क्यों है, क्योंकि म्यू रासायनिक विभव एक टर्म होती है उसके पास, तो अगर उष्मागतिकी का प्रथम नियम अगर अपन लिखें तो वो जो ऊर्जा है वो कई सारे पार्ट में डिवाइड होती है, वो विभव का भी काम करती है,
आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि करती है और कार्य में भी काम आती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है युष्मागतिकी का? डी क्यू इक्वल टू टीडीएस। चलो, इसका मतलब टीडीएस इक्वल टू डीई प्लस डीडब्ल्यू माइनस के म्यू डीएन। अच्छा, यदि ई तथा वी को नियत रखा जाए, देखो जनरली ऐसा होता है, ई का मतलब कुल जो एनर्जी है भाई, एक की ऊर्जा में कमी है, एक की में वृद्धि हो रही है, अंतर तो बराबर है भाई। इसका मतलब कुल तो नियत रहा, एक की में वृद्धि, एक की में कमी, क्या फर्क पड़ा भाई? एक जेब में पैसे ज्यादा थे, एक में कम थे, इसमें से उठा के इसमें डाल लिए, टोटल तो उतना ही है। इसका मतलब ईव नियत है, वॉल्यूम। अब ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एक धातु से 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसका द्रव्यमान कम हो गया। जिस द्रव्यमान को अपन एक्चुअली परिवर्तन तो होता है, ये तो ठीक बात है, लेकिन उसे हम मेजर कर ही नहीं पाते, वो इतना नॉर्मल परिवर्तन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गया तो 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम माप लोगे? हमसे तो मापेगा नहीं भाई। तो इसका मतलब ई और बी लगभग कांस्टेंट रहते हैं, एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है सिस्टम की भाई। एक अपन वही तो कह रहे थे, एक का जो तल है वो तो नीचे आता रहता है, दूसरे का ऊपर उठ जाता है, जितना उसका नीचे आता है उतना ही उसका ऊपर उठ जाता है। फर्मी ऊर्जा स्तर के बारे में यही तो कहा था हमने, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है। अगर एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कुल तो बराबर रही है कहीं ना कहीं, तो ई और बी को क्या रखा है हमने? कॉन्स्टेंट रखा है, नियत है। इसका मतलब ये वैल्यू भी नियत है। और डी डब्ल्यू होता है पीडीवी, डी डब्ल्यू क्या होता है? पीडीवी। इसका मतलब वी नियत है तो ये भी जीरो। तो इसका मतलब आपके पास जो टर्मिनोलॉजी बनेगी वो बनेगी डीएस ओवर डी एन एट कॉन्स्टेंट ई और वी, और ये वैल्यू होगी माइनस के म्यू अपॉन टी के। बताओ, ठीक है? अरे ये दोनों तो जीरो हो गए, डीएन को इधर ले आए, टी को इधर भेज दिया, और अपन ने लिख और दिया है कि ई और वी कैसे हैं? कॉन्स्टेंट हैं। चलो, अरे वी नियत है तो डीवी जीरो नहीं हो जाएगा? इसका मतलब म्यू इक्वल टू माइनस के टी डीएस ओवर डीएन ई और वी। एक तो ये बात हुई, अब जरा आगे की बात सुनो। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, जो लोग लाइव में चल रहे हैं वो तो, जो यहां है वो तो। हाँ ये तो मैं, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा फिर ई और वी। हाँ अब जरा आगे से चलो सर जी। अब देखो जी क्या होता है, जी भी पहले हमने बताया था, ई माइनस टी एस प्लस पी भी होता है जी, क्योंकि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा जी इक्वल टू ई माइनस टी एस प्लस पी वी। हमने स्टार्टिंग में एक वर्डिंग बोली थी, नियत दाब और नियत ताप पर, जब हमने लिखा था है? अच्छा डी जी कर लो भाई, डी जी इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। बोलो, अवकलन करोगे तो यही तो आएगा सारे पार्ट का भाई, टी एस पी वी
फिलहाल तो सारे सारे वेरिएबल अपन मान आए नियत दाब और ताप पर, नियत दाब तथा नियत ताप पर क्या होगा, dg इक्वल टू dE माइनस TdS, ये तो जीरो सर जी, और ये भी जीरो, प्लस PdV भी अच्छा देखो आपको ये जो समीकरण है कुछ इसके जैसा नहीं लग रहा, अगर डीई प्लस डीडब्ल्यू माइनस टीडीएस कर दें तो म्यूडीएन हो जाएगा, इसको इधर भेज दो इसको इधर ले आओ, यही तो है डीई माइनस टीडीएस प्लस पीडीबी, डीडब्ल्यू ही तो होता है, इसका मतलब चूंकि DE प्लस DW माइनस TDS क्या है, म्यूडीएन है नहीं है, यही तो है यार, वो इस टर्म के लिए रखा है हमने, ये अलग बात है, अपन किसी ने कहा है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो हमने उसके प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण से निकाला ये कनेक्शन, तो ये एक टर्म निकाली है हमने हमारे काम के लिए, अरे मतलब नहीं समझे तो ये जनरली ये जो स्टेप है ये जो हमने लिया है वो तो म्यू का मान निकालने के लिए लिया है, रासायनिक विभव का मान क्या होगा, यही तो होगा, अपन यूज तो इसको कर रहे हैं पहली टर्म को, अपन इस टर्म को तो यूज कर ही नहीं रहे कहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा म्यूडीएन, इसका मतलब डीजी का जो वैल्यू है म्यूडीएन हो जाएगा, जनरली होता क्या है जी, क्योंकि जी जिस निकाय के बारे में बात कर रहे हैं वो संयुक्त निकाय है, जी की जो गुप्त मुक्त ऊर्जा होगी वो क्या होगी, G1 प्लस G2, इसका मतलब DG इक्वल टू DG1 प्लस DG2, DG जीरो आया था, हमने कहा था संयुक्त निकाय के लिए आवश्यक है कि उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब उसका प्रथम अवकलज जीरो के बराबर होना चाहिए, ये जीरो है इसका मतलब DG1 प्लस DG2 जीरो होनी चाहिए, हमने ये भी माना था एक निकाय में कणों की संख्या एन वन है दूसरे में कणों की संख्या एन टू है, इसका मतलब इसको अगर लिखना चाहें तो म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू इक्वल टू जीरो, अब देखो कणों की संख्या है सब एन वन प्लस, यही तो संयुक्त निकाय में कणों की संख्या है n, जिसको अपन संयुक्त निकाय अगर माने तो उसमें कणों की संख्या इन दोनों का टोटल के बराबर होगी, अलग से तो कण आएंगे ही नहीं भाई, दो धातुएं थी a और b, पहले दोनों उदासीन रखी थी, ये भी उदासीन थी और ये भी उदासीन थी, अब हुआ क्या है यहां से इलेक्ट्रॉन जाके इस पर बैठ गए, यही तो हुआ है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इधर इलेक्ट्रॉन की, इधर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और इधर इलेक्ट्रॉन की, कुल इलेक्ट्रॉन कितने, पहले भी तो उतने ही रहे होंगे, पर इसी में से तो गए हैं वहां बढ़े हैं, इसका मतलब एक में कमी एक में वृद्धि, बोलो तो बराबर, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अगर अपन माने तो टोटल तो है, नहीं समझे बात, इसका मतलब ये है कि कहीं अगर डी भाई ये नियत होता है, अगर इसको आप dn लिखो तो dn1 प्लस, और n कांस्टेंट होता है, कुल इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट हैं, एक से दूसरे में ही तो जा रहे हैं लेकिन टोटल तो बराबर रहे होंगे, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखा गया होगा,
अगर ये नियत है तो कुल इलेक्ट्रॉन तो नियत रहेंगे। जैसे मान लो ये कोई परमाणु 10 इलेक्ट्रॉन वाला था, ये कोई 15 इलेक्ट्रॉन वाला है। आप तो ऐसे मानो आपने 4 इलेक्ट्रॉन इधर से भेज दिए, इधर कितने हो गए 19 और इधर कितने हो गए, पहले कितने थे अब कितने, तो कुल तो बराबर है। इसका मतलब ये अच्छा, लेकिन ये दोनों में ये दोनों तो जीरो नहीं है, ये दोनों जीरो थोड़ी है। DN1 मतलब N1 के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन, पहले 10 थे सर जी अब 6 कमी हो गई, सर जी उसमें पहले 19 थे अब कितने, पहले 15 थे अब 19 हैं, बढ़ गए। हाँ चले जाओ, क्या दिक्कत आती है। हाँ तो रुक जा रुक जा रुक जा, इसमें मान ले जीरो हो गए, इसमें कितने हो गए, अंतर जीरो थोड़ी है, पहले 10 थे अब 0 हैं, ये अंतर है, बताओ अंतर जीरो थोड़ी है। अंतर का मतलब पहले जो संख्या थी और अब जो संख्या है उनका अंतर जीरो थोड़ी है सर जी, नहीं समझे बात। DN1 जिस पार्ट के बारे में अपन कह रहे हैं उसका अंतर जीरो नहीं है, ये समझे आप। ये दोनों टर्म ये जीरो हो सकता है, इसका मतलब DN1 का जो वैल्यू है वो माइनस के DN2 के बराबर रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक। इसका नहीं समझे, ले नहीं ये इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, ये बी इस पर बोल 15 इलेक्ट्रॉन मान ले। अब मान ले ये कह रहा सर इस पे तो जीरो हो गए और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच गए, इस पे 25 हो गए, अंतर कितना है, DN1 अंतर है इतने, मतलब माइनस 10 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका मतलब यही तो है, इधर 10 इलेक्ट्रॉन की कुल कितना है, फिर से भी तो वही है, मैंने कहा ये कमी और वृद्धियां जीरो नहीं है। हाँ ये बात सही कहा इसने, ऐसा आपने फर्स्ट यूनिट में भी कराया था फेज में, जब प्रावस्था संतुलन बताया था तो वहां भी बताया था हमने ये बात, बिल्कुल सही कह रहा है ये बालक, वही कंसेप्ट है यहाँ भी, ठीक है। चलो तो DG=μDN हो गया, तो μ1DN1=μ2DN2, DN1 माइनस के DN2 है, इसका मतलब ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे भाई। ये वैल्यू आई μ1DN1=μ2 और माइनस के DN2 का मतलब है DN1, तो ये हो जाएगा μ2DN1, तो μ1=μ2, ये इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है, ठीक है। देखो जरा एक बार की स्क्रीनशॉट लेके रिज्वाइन कर लेना भाई तुम जल्दी से।